हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ ये वाले साबुन का रिव्यू करने वाली हूँ, जो गारंटी लेता है कि ये एक साबुन से साबुन को लगाने के बाद से आपका जो वाइट हेयर है वो ब्लैक हो जाएगा और नेचुरल कलर देगा। तो चलिए पूरा डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरे भी काफ़ी वाइट हेयर है, इसको मैंने मीशो से मंगाया था, ये मुझे 200 समथिंग में पड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है सब कुछ आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो के एंड तक आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी मैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी ले लिया, क्योंकि ठंडियों का मौसम है और ठंडियों में ऐसी वीडियोज आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको डे बाई डे मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे अप्लाई करना है सब कुछ आपको डिटेल में बताती हूँ। तो इस साबुन को पहले मैं ओपन कर रही हूँ, साबुन को ओपन कर ले रही हूँ। खोलने के बाद से इसके अंदर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। एक साइड तो अच्छा सा है ऑरेंज कलर, स्मेल जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बालों को ओपन कर लिया है मैंने, एंड मेरे हेयर काफ़ी हद तक वाइट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा इसको मंगाया जाए, अगर असर कर देता तो फिर तो इससे अच्छा कुछ होता नहीं। बट देखिए रिजल्ट क्या आता है, कितना असर किया मेरे बालों पर इस साबुन ने। तो आपको दिख रहा होगा मेरे वाइट हेयर, और मैं ये साबुन लगाने के बाद से बालों को सुखाने के बाद आपको दोबारा से शेयर करूँगी। तो फ्रंट में भी मेरे वाइट हेयर हैं, इस साइड भी आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए वाइट हेयर तो आपने अच्छे से देख लिए, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बालों को मैं अच्छे से गीला करूँगी और फिर साबुन को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बालों को गीला करते हैं यहाँ पे, सॉरी हेयर वॉश करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बस आप रिज़ल्ट पे ध्यान दीजिएगा कि क्या रिज़ल्ट आता है ये साबुन लगाने के बाद। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं अप्लाई कर दी थी साबुन को। तो इसी तरीके से मेरे जहाँ जहाँ वाइट हेयर है वहाँ पे मैंने ज़्यादा अप्लाई किया था, ताकि ब्लैक हो जाए, अच्छे से ब्लैक हो जाए बाल मेरे जो भी वाइट हैं वो। इस साबुन को लगाने के बाद से कैसे अपने बालों की केयर करनी है वो भी बताऊंगी वीडियो के एंड में, तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो में एक एक टिप्स आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो अच्छे से साबुन को लगाना है और पूरा झाग बना लेना है बालों में, और मैं इस तरीके से लगा रही हूँ क्योंकि मेरे जड़ से हेयर वाइट वाइट निकलते हैं, तो उसको ब्लैक करना ज़रूरी है। इसी तरीके से सारे बालों में मैं साबुन को अप्लाई कर लूँगी, ये जो हेयर कलर है जो भी है। ओके, इस तरीके से मैंने अप्लाई किया इसको। तो मैंने हर जगह यूज किया था ताकि एक भी बाल जो मेरा है वो छूट ना जाए। जब तक अच्छे से झाग नहीं बन जाता है तब तक आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। बहुत सारी अमेजिंग स्किन केयर हेयर केयर रूटीन आपको मेरे चैनल पे मिलते रहती हैं, तो प्लीज़ जाके वीडियो चेकआउट करिएगा, आई बटन पे क्लिक करके और भी इसी तरीके की वीडियोज आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी देर तक साबुन को अप्लाई किया था बालों में, और 2 से 3 मिनट मैंने छोड़ा भी था ताकि अच्छा कलर आ जाए बालों में। तो अच्छे से पूरा झाग बना लिया मैंने, साबुन को लगा लगा के लेंथ वेंथ सब जगह अप्लाई किया था। युवा, इस तरीके से पूरा जड़ से लेके लेंथ तक मैंने पूरा बालों में हेयर कलर तो नहीं है, साबुन ही है, साबुन को अच्छे से अप्लाई किया और इसको 2 मिनट तक छोड़ा। तब तक मेरा जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने धो लिए थे, एक दो बच्चों के कपड़े थे, और फिर मैं नहा भी ली थी, फिर बालों को वॉश किया था नॉर्मल पानी से। तो अच्छे से मैंने लगा दिया है और मैंने चेक किया यहाँ पे कि कोई कलर तो नहीं निकल रहा है साबुन में से, तो नहीं निकल रहा था, सिर्फ पानी टिपक टपक रहा था। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से झाग बन चुका है,
आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि बहुत अच्छे से झाग बन चुका है बालों में मेरे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से झाग भी बन चुका है, एक एक बाल मेरे इस साबुन से ढक चुके हैं। अब मैं साबुन को रख देती हूँ साइड में, एंड मैं इसको 5 मिनट तो मैंने सोचा था, बट मैंने 3-4 मिनट में ही वॉश कर दिया था बालों को। तो 5 मिनट अच्छे रिजल्ट के लिए मैंने सोचा कि रखते हैं, लेकिन मैंने 3-4 मिनट में इसको वॉश कर दिया था नॉर्मल पानी से। तो अच्छे से मसाज कर लिया था मैंने, ओके। और देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे झाग बन चुका है, आपको दिख रहा होगा मेरे हाथों में से इस तरीके से झाग निकल रहा है। जो झाग है वो इस साबुन का है, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये मैंने ऐड देख के मंगाया था मीशो से, वैसे मीशो के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट था वो जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं आया। तो ये साबुन मैंने यूज किया और इसका रिज़ल्ट ये आया कि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, एंड बहुत ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हुआ, इतना कि मुझे फर्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जहाँ तक ये साबुन जिस चीज़ के लिए बनाया गया है स्पेशली वाइट हेयर को ब्लैक करने के लिए, लेकिन मेरे वाइट हेयर कहीं से भी ब्लैक नहीं हुए। तो आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके की ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो मिलेगी। अभी मैंने ऑयलिंग की हुई है तो मेरे ब्लैक वाइट हेयर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मेरे वाइट हेयर एक भी ब्लैक नहीं हुए हैं, आई थिंक आपको दिख रहे हो। और मेरा बाल इतना ज़्यादा ड्राई हो गया था कि मैंने बहुत ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग कर ली, नहीं तो मैं गंजी हो जाती, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो और फिर मेरा हेयर फॉल इतना हुआ, मैं 2 दिन के बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ। 2 दिन आप ये हेयर फॉल आपका भी आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो सबसे पहले, जैसे हम लोग का काम ही ऐसा है कि हमको अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारे हेयर को स्किन को बहुत नुकसान पहुंचता है, बट क्या करें आप लोग के साथ सच्ची इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम लोग को ट्राई करना होता है, एंड पता चलता है उसके बाद कि क्या सही में ये इफ़ेक्टिव है प्रोडक्ट जो दिखाते हैं। तो ये वाला साबुन जो है हेयर को ब्लैक करने के लिए वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करता है, एंड आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा। ऐसा लग रहा है कि बाल जल गए हैं, एंड बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था जिस दिन मैंने इसको यूज किया। फिर मैंने अपने हेयर फॉल को ठीक करने के लिए विटामिन ई की कैप्सूल्स ली, 8 से 10 विटामिन, एक पत्ता मान लीजिए पूरा ले लिया था मैंने, और इतना सारा कोकोनट ऑयल लिया, उसमें सारे कैप्सूल्स डाल के अच्छे से मसाज किया, फिर मेरे बालों का जो टेक्सचर है दोबारा से सही हुआ, एंड हेयर फॉल हो रहा था। तो मैंने जॉय का ब्लैक वाला जो शैम्पू आता है वो हेयर फॉल के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है और बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो आप वो ले सकते हो। और मैंने ये बन हेयर स्टाइल का वीडियो शेयर किया है, छोटे बालों में आप इस तरीके का बन कैसे बनाओगे, और सिर्फ एक क्लचर की मदद से साड़ी के लिए छोटे बालों में ये बन हेयर स्टाइल और ड्रेस से भी बना सकते हो, बहुत इजी है और बहुत कंफर्टेबल है। मार्केट वगैरह जा रहे हो, शॉपिंग जा रहे हो तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो ऑयलिंग वाले बालों में, लेकिन ये साबुन आप बिल्कुल भी ना खरीदें, आपके बाल खराब हो जाएंगे और ब्लैक तो ये बिल्कुल भी नहीं करता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो भी ये साबुन लेना चाहते हैं या फिर सोच रहे होंगे कि कैसा है इफेक्ट फ़ायदा करता है नहीं करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है, तो आप इसको ना लें, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैंने यूज़ किया, आप लोगों के साथ फुल रिव्यू शेयर भी कर रही हूँ, और मेरे बाल कहीं से भी ब्लैक नहीं हुए, सारे वाइट बाल वैसे के वैसे दिख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, और इस तरीके की डिजाइनर ड्रेसेस की वीडियोस देखने के लिए सेकंड चैनल पे जाइए, प्रीत तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड गुड वाइफ का सीरम बहुत अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हो और बहुत अच्छा साइन देता है, ग्लो दे रहा है स्किन में, तो आप यूज कर सकते हो उसको। और रात को 9 बजे लाइव वीडियो जरूर देखिएगा, रात को 9 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ, उसमें अपनी थ्रेडिंग करूंगी और सेल्फ थ्रेडिंग कैसे करना चाहिए सब कुछ आपको उस वीडियो में पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।